वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं मूर्तियों का बाजार, जो कि है जयपुर में खजाने वालों के रास्ते के आगे। आप यहां पे देख सकते हैं मार्बल से बनी हुई काफ़ी सारी आपको इस मूर्तियां मिल जाएंगी। इसमें आपको 1 फीट, 2 फीट, इसके अलावा स्मॉल मूर्तियां भी अवेलेबल हैं। प्राइस ऑफ राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसका आपको मैं बता दूँ 12,000 के लगभग प्राइस था, जो कि 1 फीट के आसपास थी। ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं, इनकी प्राइस 2000 से लेके और 8000 तक है, जो कि 1 फीट से नीचे की मूर्तियां हैं। ये बड़ी बड़े मूर्तियां हैं जो राधा कृष्ण की, इनकी भी प्राइस काफ़ी, इसकी प्राइस है जो कृष्ण जी की, इन गणेश जी की प्राइस इनकी करीब 12,000 के आसपास प्राइस है, क्योंकि इनकी लंबाई 2 फीट के आसपास है। आपको यहाँ छोटे से लेके बड़ी मूर्तियाँ तक मिल जाएंगी, और आप ऑर्डर देंगे उसके 15 दिन के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, जैसी मूर्ति आप चाहेंगे वैसी। और कलर ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल हैं, इनकी मूर्तियाँ अपने इंडिया के अलावा बाहर भी जाती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ये मूर्तियों का। और बुद्ध की मूर्ति थी और गणेश जी की मूर्ति, ये जो थी ये 25,000 की थी, ये राधा कृष्ण जी 32,000 के थे पेयर में जो हैं, और ये खाली कृष्ण जी थे 20,000 के, क्योंकि ये 2 फीट से भी ऊपर की मूर्ति है। इस तरह इस बाज़ार के अंदर केवल मूर्तियाँ, आप अंदर जाएंगे हर दुकान के बाहर आपको मूर्तियाँ दिख जाएंगी, और कलर आप जैसा चाहें वैसा वो आपके अकॉर्डिंग इसको करके आपको दे देंगे कलर पेंट वगैरह बाद में। ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति और ये राधा जी की, ये थी 12,000 रुपये एक पीस। गणेश जी थे जिनकी प्राइस थी 8,000 के आसपास, ये 17 इंच के थे। इसके अलावा ये कुछ तैयार मूर्तियां हैं और कुछ कलर बाकी है मूर्तियों में। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे से लेके बड़े सभी कलर ऑप्शन वैरायटी, और सब मार्बल की मूर्तियां हैं, आप जो कि मंदिर में स्थापित कर सकते हैं इनको अपने मंदिर के अलावा, जो मंदिर की में बड़े मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनमें भी ये मूर्ति स्थापित की जाती हैं, जो कि सब यहीं से बनवाई जाती हैं। ये लक्ष्मी माता की मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। एक काली माता की मूर्ति थी जो कि हमने देखी थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी, 25,000 की अराउंड इसकी कीमत थी। बस हाँ, इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है क्योंकि ये संगमरमर